Hello, class 7th. Today we will do chapter 5 question answer. Golu grows a nose from the book An Alien Hand Supplementary Reader. Our first question is, whom does Golu ask, why don't you ever fly like other birds? Golu ye kisse poochta hai ki tum other birds ki tarah kyun nahi udti ho? Answer is, Golu asks the ostrich why it doesn't fly like other birds. Golu ostrich se puchta hai ki tum baki birds ki tarah kyun nahi udti ho. Ostrich ek biggest bird hota hai, wo flightless bird hota hai, wo udta nahi hai. Isliye Golu puchta hai ki ostrich tum baki birds ki tarah kyun nahi udte ho. Question number 2, which uncle of Golu had red eyes? Answer is, Golu's huge uncle Hippopotamus had red eyes. ठीक है, गोलू के किस अंकल की रेड आईज थी? तो गोलू के ह्यूज अंकल हिप्पोपोटामस थे, उनकी रेड आईज थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज, जो गोलू के रिलेटिव थे वो उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं देते थे. क्यों? ऑप्शन आर, देवर शाय, the questions were too difficult, Golu was a naughty boy. The correct answer is, the question were too difficult. Question number 4, who advised Golu to go to the Limpo River? Golu ko Limpo River jaane ke liye kaun advised karta hai? The answer is, the mana bird advised Golu to go to the Limpo River. ठीक है, मैना, मैना जो होती है वो गोलू को एडवाइस करती है कि वो लिम्पो रिवर में जाए और वहां जाके पता करे क्रोकोडाइल के बारे में, जो कि गोलू जानना चाहता था कि क्रोकोडाइल डिनर में क्या लेते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू रिवर में क्यों जाता है? आंसर इज, Golu went to the Limpo River to find out what the crocodile had for dinner. Golu river mein isliye jata hai ki wo janna chahta tha ki crocodile apne dinner mein kya lete hain, kya khate hain crocodile. Okay? Now question number 6, the crocodile lay on the bank of the Limpo River. Golu thought it was, jo crocodile hai wo river ke किनारे में लेटा हुआ होता है, तो गोलू क्या सोचता है? अ लिविंग क्रोकोडाइल, अ डेड क्रोकोडाइल, अ लॉग ऑफ वुड. करेक्ट आंसर इज, अ लॉग ऑफ वुड. गोलू को लगता है कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा था. मतलब गोलू को पता ही नहीं होता कि क्रोकोडाइल कैसा होता है, इसलिए गोलू को वो लगा कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा था. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is, what did the crocodile do to show that it was a real crocodile? Crocodile kya karta hai ye show karne ke liye ki wahi real crocodile hai? The answer is, the crocodile shed its false tears to show that it was a real one. Jo crocodile hota hai wo apne false tear, crocodile ke jo false tears hote hai na, jise kehte hai na magarmach ke aansu, उन्हें गिराता है ये दिखाने के लिए कि वो ही रियल क्रोकोडाइल है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू. द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज, क्रोकोडाइल ऐसा क्यों कहता है कि कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे कान में फुसफुसाकर बताऊंगा जो भी तुम पूछ रहे हो. ऑप्शंस आर, ही कुड नॉट स्टैंड अप, ही वांटेड टू ईट गोलू, गोलू वाज डीफ. करेक्ट आंसर इज, ही वांटेड टू ईट गोलू. वो अपने पास उसे इसलिए बुलाता है क्योंकि वो गोलू को खाना चाहता था. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर? नदी के किनारे गोलू की हेल्प कौन करता है जब उसको क्रोकोडाइल पकड़ लेता है? द आंसर इज, द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द रिवर बैंक, ही सेव्ड गोलूज लाइफ फ्रॉम द क्रोकोडाइल.
पाइथन हेल्प करता है गोलू को नदी के किनारे और वो गोलू की लाइफ बचाता है किससे? क्रोकोडाइल से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नेम टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। आपको दो ऐसी बातें बतानी है जो एलिफेंट अपने ट्रंक से सूंड से कर सकता है और दो ऐसी बातें बतानी है जो वो नहीं कर सकता। ओके, आंसर इज टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विद हिज ट्रंक। दो वो चीजें जो एलिफेंट अपने ट्रंक से कर सकता है। नंबर वन, द एलिफेंट कैन कीप अवे फ्लाइज, वो अपनी ट्रंक से फ्लाइज को उड़ा सकता है। नंबर टू, ही कैन पुल अप थिंग्स फ्रॉम बिलो एंड टेक टू इट हिज माउथ, और वो नीचे से चीजें उठा के अपने मुंह पे डाल सकता है। ये काम वो अपनी ट्रंक से कर सकता है। और वो क्या नहीं कर सकता? टू थिंग्स दैट द एलिफेंट कांट डू विद हिज ट्रंक। नंबर वन, ही कांट यूज इट एज अ लेग, वो उसको लेग की तरह यूज नहीं कर सकता। नंबर टू, ही कांट सी विद इट, और वो उससे देख भी नहीं सकता। ऑब्वियसली देखने के लिए तो उसके पास आंखें हैं। ओके देन, नाउ योर क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 5 हैज बीन कंप्लीटेड। डू इट इन योर फेयर नोटबुक विद नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग एंड लर्न इट आल्सो। ओके स्टूडेंट, बाय, टेक केयर।